क्या नाम है आपका, क्या मामला है जी? मेरे बच्चे का केस चल रहा है यहाँ पे। 24 नंबर को मेरा बेटा बस से खेलते खेलते शाम को 5:30 बजे 2 साल का उठा लिया था। तो इसके बाद हमने रूम जिला की रिपोर्ट अपलोड कराई, तो उसको 24 नंबर को उठा कर उसको 30 नंबर को डेड बॉडी मिली थी, और उस तालाब में मिली थी जिस तालाब की 3-4 बार छानबीन करा ली थी पूरे तालाब को, उसमें उस टाइम कुछ नहीं पाया। तो जिस टाइम हमारे पापा को भी मार दिया था 18 साल पहले, तो हमें उनको सकता तो हमने उनको उठवा लिया था। तो जैसे उनको मार पड़ी तो SSP मैडम ने बोला उनको तुम्हारा केस कल खोल देंगे। तो कल उससे अगले दिन हमारे बच्चे की डेड बॉडी मिली, उसके बाद उन्होंने उनको रिहा कर दिया, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद क्राइम ब्रांच को दे दिया मेरा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम ब्रांच के पास आया, उन्होंने बोला उनको नार्को टेस्ट करा रहे हैं, नार्को टेस्ट की जगह उन्होंने पोलियोग्राफी टेस्ट कराया, नार्को टेस्ट का आश्वासन दिया तो तुम्हारा उनका बच्चे का जो इसका सजन का नार्को टेस्ट कराया, पोलियोग्राफी टेस्ट करा के उन्होंने फिर मैं जम्मू में चले गया। मैंने यहाँ से बताया, मैंने फ़ोन किया मेरा साहब ऐसे ऐसे क्या चल रहा है, बोले यार हमने तो पोलियोग्राफी टेस्ट कराया, मेरा साहब आपने मुझे नार्को टेस्ट के लिए बोला था। आज मेरे बच्चे को 1 साल हो गया पूरा, नवंबर की बात है, मुझे यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला, वही नहीं होगा। तो कितना परेशान हो चुके हैं? इतना परेशान हो ना, मेरा मन करता है मैं अपनी वाइफ को भी और अपने आप को भी, मैं यहाँ से जाता हूँ वाइफ बोलती है क्या हो रहा है क्या जवाब मानने के लिए सही तक पूरी करता हूँ, मानना रह रहा है नहीं मर जाऊँ क्या करूँगा, पहले पापा को मार दिया फिर बच्चे को मार दिया, कोई सुनवाई नहीं है, क्या करूँगा मैं यहाँ।